केंद्र में आप बेटे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूलती बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे बाप नहीं है क्या? आप किसी के भाई नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। उसी प्रकार देश के गृह मंत्री जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्री अमित शाह जी, उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है, उनके पास विधायक खरीदने का समय है, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए देश के सुरक्षा मंत्री सुरक्षा गृह मंत्री के पास समय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी के भी पास बड़े बड़े ने स्पोर्ट्स पर्सन हो या अभिनेता हो, उनके साथ फोटो खिंचाने का समय है, उनकी शादियां अटेंड करने का समय है, लेकिन देश की बेटियों पर हो रहे अत्याचार, उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। उसी प्रकार देश के गृह मंत्री जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्री अमित शाह जी, उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है, उनके पास विधायक खरीदने का समय है, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए देश के सुरक्षा मंत्री सुरक्षा गृह मंत्री के पास समय नहीं है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अध्यक्ष जी कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे। बिल्कुल चिंता नहीं है। आज देश में महिला सुरक्षा बेतुकी बातें लगी आपको, बेटियों की सुरक्षा आपको बेतुकी बातें लगती है। अध्यक्ष जी इनका शब्द निकलवाएं, आप पहले कार्रवाई से बेतु का शब्द निकलवाएं। मैं आपको शर्म आनी चाहिए, केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। ऊपर से कह रहे हैं, बेतुका बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती विजेंद्र गुप्ता जी? आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे बाप नहीं है क्या? आप किसी के भाई नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। राखी जी आप प्लीज, माननीय सदस्यगण प्लीज, राखी जी कंटिन्यू। अध्यक्ष जी मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। अध्यक्ष जी आए दिन चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे 27 साल की डॉक्टर हो, चाहे 56 साल की बुजुर्ग महिला हो, हर कोई हवस का शिकार बन रहा है, हर कोई रेप का शिकार बन रहा है, लेकिन सियासत में बैठे इन सियासतदानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फूल सी बच्ची को नोच ले, कोई युवा बेटी को जिंदा जला दे, कोई बुजुर्ग महिला को नोच डाले, लेकिन इन सियासतदानों को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सवाल उठता है कि देश जा किस ओर रहा है, देश की ये 50% जो आबादी है इसको सुरक्षा मिलेगी कैसे? ये बड़ा सवाल है। और अध्यक्ष जी देश की इन बेटियों को, देश की इन महिलाओं को, देश की इस आधी आबादी को सुरक्षा जब मिलेगी? जब केंद्र में बैठी हुई सरकार की मानसिकता बेटियों के सम्मान में हो, जब केंद्र में बैठी हुई सरकार की जो सोच है वो महिलाओं को सम्मान देने की हो। लेकिन आज अध्यक्ष जी बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्यवश देश के केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जो आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और कुकर्म में खुद लिप्त पाई जाती है। इसके मैं पुख्ता उदाहरण पेश करती हूं। आज इन सदन पटल के ऊपर उन्नाव रेप केस, आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर, बीजेपी का विधायक, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आसिफा, 8 साल की मासूम बच्ची, कठुआ जम्मू का केस, इसमें भी आरोपी बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। शाहजहानपुर
एक बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, निवस्त्र होकर उससे मालिश कराता था। कौन है वो आदमी? वो है पूर्व गृह राज्य मंत्री बीजेपी की सरकार का। और स्वयं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूँ, स्वयं देश के प्रधानमंत्री पाए गए बेटियों की सुरक्षा जो है जासूसी कराते हुए, स्वयं इस देश का गृह मंत्री नामजद तरीपाल रह चुका है। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे देश का कानून कहता है, ये मेरे देश के न्यायालयों ने और जजों ने कहा है, ये राखी बिड़ला ने आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है। अध्यक्ष जी, ये इतना गंभीर मामला, देश की आधी आबादी आज बाहर निकलते हुए ये सोचती है कि मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी। आज हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, जब मेरी जैसी बेटियां अपने काम पर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए जाती हैं, तो पता नहीं होता कि किस स्थिति, किस परिस्थिति में वो बेटी वापस आएगी। बिल्कुल अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, बुधवार 27 नवंबर की रात को दिल दहलाने वाला घटना हैदराबाद के अंदर हुआ। एक 27 वर्षीय डॉक्टर का स्कूटी खराब होता है और उसको मदद के बहाने चार लोग घेर लेते हैं और उसके साथ गैंगरेप होता है, उसे जला दिया जाता है। इतनी हृदय विदारक घटना अध्यक्ष जी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे, क्योंकि मैं स्वयं भी एक लड़की हूं और कभी कभी किचन में खाना बनाने का मौका मिलता है। गलती से गर्म कढ़ाई को छू लेते हैं अध्यक्ष जी, तो अगले दो दिन तक उंगली दर्द करती है। उस बेटी को जब जलाया गया होगा अध्यक्ष जी, हमारी जैसी बेटियों की आत्मा कैसे आज कुलमला रही है आप समझ भी नहीं सकते। और ये सामने बैठे हुए बीजेपी के लोग कहते हैं कि किस तरह की बेहूदगी की जा रही है। अध्यक्ष जी, इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और ऐसे में जब दिल्ली के अंदर एक अनु नाम की लड़की उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है, अकेली वो अपनी हिम्मत जुटाकर धरना देती है, तो वही केंद्र शासित जो दिल्ली पुलिस है उस बेटी के साथ बर्बरता पूर्व जो है काम करती है, उसको मारती है, पीटती है और जेल में डाल देती है। तभी उसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जाती है और उसकी मदद करती है। अध्यक्ष जी, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक बेटी होने के साथ साथ, एक महिला होने के साथ साथ एक महिला जनप्रतिनिधि भी हूं, और मुझे नहीं पता कि 7वीं विधानसभा में आने का मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जितना समय और जितना प्यार जनता ने हमारी सरकार को दिया, मैं आज गर्व से सीना चौड़ा कर और अपनी गर्दन को खड़ा कर ये कह सकती हूँ कि मेरी सरकार ने ना सिर्फ महिला सम्मान के लिए काम किया, बल्कि महिलाओं को सुरक्षित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए हैं। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु 2.5 लाख से अधिक ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करा। ये विश्व में पहला ऐसा राज्य है जहां पर चप्पे चौक चौराहे गली नुक्कड़ के ऊपर महिला सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वहीं एक दिन के अंदर हिम्मत चाहिए और जज्बा चाहिए अरविंद केजरीवाल जैसा, एक दिन के अंदर 15,000 मार्शल बसों में तैनात करे गए दिल्ली की बेटियों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। वहीं पर 2 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें, डार्क स्पॉट खत्म करने के लिए लगाए जाने का फैसला लिया और बहुत जल्दी वो लगाई भी जाएंगी। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले चंद सालों के अंदर कई दशकों से पेंडिंग पड़े हुए केसेस को तुरंत निपटाया और पीड़ित महिलाओं के घर पर पहुंचकर उनको सुरक्षा मुहैया कराई और उनको सहायता देकर उनको न्याय दिलाने का काम करा। अध्यक्ष जी, मैं अंत में बस इतना ही कहूंगी, अगर नियत है तो सब संभव है। मन में अगर महिलाओं के लिए सम्मान है तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है, उन्हें न्याय भी दिलाया जा सकता है और उनका सशक्तिकरण भी किया जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगी कि देश में आज जो स्थिति है वो स्थिति भविष्य में ना हो, इसके लिए आज हर एक बेटी को जागना होगा, हर परिवार के सदस्य को जागना होगा और उखाड़ कर फेंकना होगा ऐसी मानसिकता के नेताओं को, जो मानसिकता वो महिलाओं के विरोध में रखते हैं और जो उनकी मानसिकता महिला विरोधी झलकती है। आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।